पवित्र धरोहर कैलाश, जहां आदि देव भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश भू क्षेत्र भारत समेत चीन और नेपाल की संयुक्त धरोहर है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है, जो चार धर्मों तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक सत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभदेव ने यही निर्वाण पाया था। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश यात्रा की थी। हिंदू विश्वास के अनुसार भगवान शिव उनकी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत की चोटी पर एक ध्यान की अवस्था में रहते हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ शिव जी के स्थायी निवास होने का कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है। हिंदू धर्म के मानने वालों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है। ऊपर स्वर्ग है जिसपे कैलाशपति सदाशिव विराजे हैं और नीचे मृत्यु लोक है। इन मान्यताओं के होते हुए भारत ने पवित्र कैलाश भू क्षेत्र के संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। जी हाँ, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने पर सहमति प्रदान करने के साथ ही अंतरिम सूची में शामिल कर लिया है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले इस क्षेत्र को प्रकृति के साथ साथ सांस्कृतिक श्रेणी की संरक्षित धरोहर का दर्जा मिला है। भारत ने इस दिशा में कदम उठाते हुए अपने हिस्से वाले 7,120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को यूनेस्को से प्रारंभिक मंजूरी प्रदान करा दी है। इस तरह कुल 31,252 वर्ग किलोमीटर भाग यूनेस्को के अंतरिम सूची में शामिल हो गया है। इस वजह से न सिर्फ समूचे भू क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बेहतर होगी। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।